सर प्राइस क्या है, नान का फ्री में खिलाते हो, इतनी भीड़ लगी है। तो ये भैया जी इतनी देर से खड़े, इनको भी दे दो खाने के लिए। 60 रुपए प्लेट है। तो भीड़ तो ऐसे लगी, मुझे लगा फ्री में खिला रहे हैं आप। हाँ जी सर। वो ग्लास से कटा रहे सर, ऐसी वेट करनी पड़ती पिछले टक्के। हाँ जी। पर ये वाले सनी पाजी नहीं है, ये खिलाकर आपको मोटा करेंगे, खुद मोटे नहीं। तो हाँ जी दोस्तों, नंगल आए थे रेलवे रोड नंगल पर और पार्क में दोपहर के 12 बजे बड़ी भीड़ लगी हुई है और सामने है सनी पाजी। हाँ जी नमस्कार पाजी, कैसे हैं? नमस्कार भाई, बढ़िया भाई। बढ़िया जी। आज मेरे को लगता है आपने नान नहीं खाए, दबके नहीं बोल रहे हो? नहीं जी, नान खाए। नान खाएंगे। अच्छा, सबसे पहले नान आप ही खाते हो, टेस्ट करते हो? हाँ जी सर। क्या बात है सनी पाजी, पूरा नाम बताइए, क्या नाम आपका पूरा नाम? मेरा सनी है जी। सनी। और ये कौन से अमृतसरी है नान देते हैं आप? हाँ जी सर। क्या बात है, कितने साल पुरानी शॉप आपकी? 13 साल। 13 साल पुरानी शॉप है। तो बड़ा प्यारा सेटअप लगाया अपने, रेडी के बीच में तंदूर को फिट करा हुआ है ना। और ये पीछे पार्क है आपके? हाँ जी सर। क्या बात है सर, प्राइस क्या है नान का, फ्री में खिलाते हो, इतनी भीड़ लगी हुई है? 60 रुपए प्लेट है सर। अच्छा, पैसे में खिलाते हो? हाँ जी सर। 60 रुपए की प्लेट है। हाँ जी। तो भीड़ तो ऐसे लगी, मुझे लगा फ्री में खिला रहे हैं। नहीं नहीं। अच्छा जी, क्या बात है। तो बैक टू बैक लगते रहते हैं। तो पाजी कितने बना लेते हो नान एक दिन में? आप 200 को प्लेट बना लेते हैं। 200 प्लेट बना लेते हैं, क्या बात है, बड़े ईमानदार हो यार, डरते नहीं है, नजर लग जाएगी। लोग तो कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं बताना, नजर लग जाएगी, आपने तो बता दिया ना। हाँ जी सर। तो कितने बजे ओपन होती जी आपकी शॉप? 8:30 बजे। 8:30 सवेरे? हाँ जी। तो ये सर एतवार को ही रहता होगा मेला? तो नहीं नहीं, रोज रोज मेला रहता। रोज ऐसे मेला लगा रहता है? हाँ जी सर। कितनी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं आपके पास? रोपड़, चंडीगढ़। अच्छा जी, दिल्ली तक भी आते हैं लोग। दिल्ली से भी? हाँ जी। अम्बाला से भी आते हैं, पीछे से आवाज लगाई किसी ने, मतलब खा रहे होंगे कोई अम्बाला से ना। तो सनी भाजी कुछ खास क्या आपके नान में, ये बताइए आप। नान तो दुनिया बना रही है यार, आपके पास की भीड़ लगी हुई है। खा के देखो जी, तू अपो आना जी मुझे। अच्छा, ले ये कसूरी मेथी जी। थोड़ी मेथी, अजवाइन जी। हाँ जी सर। थोड़ी मेथी डाल के थोड़ी अजवाइन, अजवाइन इसके पचे जाएगा ना जल्दी से जल्दी। हाँ जी। एक की जगह बंदा दो खा ले, तीन खा ले कि नहीं? हाँ जी सर। तो ये कितने साल पुरानी शॉप है सर, आप ये बताइए? 13 साल जी। 13 साल? हाँ जी सर। अच्छा, तो आपने शुरुआत करी थी? हाँ जी सर। क्या बात है, क्या बात है। तो नंगल वाले तो आते होंगे दूर से, तो आपने बता दिया खा रहे हैं। तो इसके साथ खाने के लिए क्या देते हैं जी? खाने के लिए क्या देते हैं इसके साथ? नान होते, छोले होते हैं जी, चटनी, प्याज जी, मक्खन। अच्छा जी, बस। तो छोले दिखाएंगे किसी को, अपने सहयोगी को दिखा देंगे एक बार छोले। तो छोले भी अमृतसरी रहते हैं, डॉलर वाले? हाँ जी। क्या बात, तड़का किस चीज़ का लगता है इसमें? सिंपल तड़का लग रहा था। नहीं, छोले दिखा दो, छोले तो मुझे दिखे ही नहीं। क्या बात है, छोले ये। तो इसमें तड़का लगाते कि विदाउट तड़के वाले हैं? वो तड़के होते हैं सर। तड़के वाले होते हैं? बिना तड़के होते हैं। बिना तड़के के होते हैं? हाँ जी। और इसके साथ ये अमूल बटर, बटर रखा, ये भी बटर भी तरह तरह की कब प्लेट लगेगी ना। ये नान की और उसके साथ छोले डालेंगे और अमूल की टिक्की खाएंगे कि नहीं? तो ये भैया जी इतनी देर से खड़े, इनको भी दे दो खाने के लिए, इनका वेटिंग लिस्ट में नंबर लगा हुआ है। वाह वाह सर, सारे बड़ी बड़ी से। ऐसी वेट करनी पड़ती पिछले टक्के। हाँ जी सर। क्या बात है, क्या बात है सनी भाजी, यार बहुत बढ़िया लग रहा है यार, आपने बिजी शेड्यूल में एक बार भी मना नहीं करा, टाइम दे दिया हमारे को। तो हमारे लिए प्लेट लगाएंगे जी? हाँ जी। हाँ जी, क्या बात है, लाल वाली प्लेट, गर्मा गर्म ये नान आ गए जी। तो आलू डलता है इसके बीच में? आलू सर। आलू दिखाएंगे, पेस्टिंग कार की छुपा के अपने आलू। आलू अच्छा, यहाँ रखा हुआ है ये आलू का पेस्ट, यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ जी सर। और साथ ही साथ वो प्लेट रेडी हो रही जी, छोले आ गए गर्मा गर्म, बिना तड़के के रहते हैं, बिना तेल के। हाँ जी सर। वो ग्लास से क्या डाल रहे सर, उसने क्या डाला? चटनी होती है। चटनी? अच्छा, मुझे लगा पानी डाला उन्होंने ग्लास से, पर सैलड आ गया जी। तो ये माहौल बना रहता है सनी पाजी है ना। प्लेट आ गई। तो पाजी ये जो 60 रुपये की प्लेट में कितने आएंगे? दो नान आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नंगल आए थे, नंगल में ना मोस्ट सेलिंग जो नान की शॉप है ना, दोपहर में भीड़ लगी रहती है, मेला लगा रहता है, दीवानगी लगी रहती है। और भीड़ क्या बोल रही है भाई साहब, ये देखो बटर तैर रहा है नान के ऊपर, आलू वाला नान रहता है सिंपल, ये देखो पर सॉफ्ट है, स्टिकी नहीं है। 10 मिनट हो गए थे नान को रखे हुए हमारे को, अभी तक गर्म है। कुछ यूनिक टिप तो है इनकी बनाने की। और ये छोले विदाउट तेल वाले, ऑयल वाले, और उसके साथ थोड़ी सी ये बटर ले लेंगे। भाई फ्रेश तो हैं, तभी भीड़ लगी हुई है। और ये वो चटनी है जो ये ग्लास से डाल रहे थे, मुझे लगा पानी डाल देना उन्होंने प्लेट में, पर प्लेट में पानी नहीं। खटमिट्टा स्वाद है इसका, जायका ठीक है, बढ़िया है। नंगल शहर में घूम रहे हो तो नॉन वेज तो लोग खाते ही हैं, फिश खाते हैं, मटन खाते हैं, ज़्यादा फिश के लिए मशहूर है। पर जो वेज के लिए जो घूम रहे, वेज के लिए बेस्ट स्ट्रीट फूड कहाँ मिल सकता है नंगल में, वो जगह ये है सनी पाजी की है ना। पर ये वाले सनी पाजी नहीं है, ये खिलाकर आपको मोटा करेंगे, खुद मोटे नहीं है ना। तो नवा नवा जायका दिखाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। लोकेशन एड्रेस क्या पड़ती है? रेलवे स्टेशन नंगल जी, रेलवे रोड के नाल ही। अच्छा, नाल ही। सनी पाजी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी। ठीक है, थैंक यू जी।